हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंबिका ब्यूटी में। कैसे हो आप सब? तो आज आपके साथ एक और हेयर कटिंग की वीडियो लेके आई हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। डिसाइड हो रहा है कितना छोटा करना है। तो आ जाते हैं दोस्तों अब कटिंग की तरफ। तो देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा एज नहीं है, 6-5 या 6-7, हद से हद 7 साल होगा। तो इनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ है। रफ मतलब ऐसे ना कि कंघी करने में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो इनकी मम्मी आई थी हेयर कट करवाने इनका, और ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो वीडियो। इसमें मतलब इतना छोटा किया है ना कि बस एक छोटी सी पोनी बन जाए और बस। तो देख सकते हो आप, बाल एक्चुअली आपको दिखने में ही रफ़ लग रहे होंगे कि कितना रफ़ है ये। मैं इसको हल्का सा ड्राई करने के बाद इसमें एक सीरम यूज़ कर रही हूँ, जिससे मुझे इसको थोड़ा सॉफ्ट करने में इजी हो जाए, मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इजीली सुलझ जाए ये बाल। तो उसके बाद मैंने हेयर कट स्टार्ट कर दिया था। तो आप देख सकते हो, इसको भी मैंने सुलझाया नहीं, क्योंकि मैंने कहा कटिंग ही करनी है, छोटा करना है, तो इतना ही पहले मैं कट कर देती हूँ एक बार अच्छे से। तो आप ये देखिए, सारे बालों को इस तरह से पकड़ा और एक बार में ही पूरे बालों को कट कर दिया है। मतलब 7 या 8 इंच के अराउंड हेयर कट किया है। आप देख सकते हो मेरे हाथ में बाल है, उसके बाद कितनी लेंथ है इसमें। और फिर जब कटिंग हो गई ना, उसके बाद बालों की सारी रफनेस ख़त्म हो गई। जैसे एक होता है ना कि डायरेक्ट शैम्पू कर लिया बस और छोड़ दिया, ना कंघी किया, ना ऑयल लगाया, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे बालों को देख के ना यही लग रहा था कि बिल्कुल केयरलेस हेयर थे। इतना लेंथ है जो मैंने ये कट किया है, इतने छोटे किए हैं बाल, तो इतनी सारी लेंथ निकाली है। आपको देखने में दिख रहा होगा कि इतना ज़्यादा छोटा कर दिया है। और फिर अब ये जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वल कर देते हैं, मतलब कि अनइवन होगा ना, एक डायरेक्ट मैंने हेयर कट किया है तो इक्वल तो होगा नहीं। एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ अच्छे से और बराबर कर देती हूँ सारे बालों को, और अच्छी सी कटिंग मतलब आपको फाइनल लुक मैं एक बार दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी कि कितनी बड़ी पोनी बनी है और किस तरह से हुआ है। तो आप ये देखिए, सेंटर से पार्टिंग कर लिया है, बाल दोनों तरफ बहुत अच्छे से सुलझा लिया है। और देखो आगे से बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, पता नहीं कैसे हैं, या फिर बाल ना हल्के हो रहे थे, बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे इसलिए ऐसा है, या फिर ये आगे के बाल कभी कटिंग तो कराया नहीं इन्होंने, शायद ये बाल ना झड़ के टूट गए हैं और फिर से ये रीग्रोथ हो रहे हैं। बहुत सारे इशूज़ थे इनके हेयर में, तो वो उसके बाद फिर इन्होंने फाइनल डिसीज़न इनका यही था कि अब हम कट ही कर देते हैं। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब देखो इतना हेयर कट करने के बाद 1 इंच के अराउंड और इक्वल करने में लग रहा है, जो एकदम सेम बराबर करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको ना थोड़े थोड़े बाल लेके फिर एक गाइडलाइन बनाया मैंने सबसे आगे, उसको उसी के लेबल में सारे हेयर को कट करना है। बच्चा भी ना बार बार कैमरे की तरफ ही देख रहा था। तो आप देख सकते हो एक तरफ से कटिंग हो गई है, और अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। बीच में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा ही ट्रिम किया था। इतना कुछ करने के बाद भी सुलझाने में बाल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बाल बहुत रफ थे ना, तो उलझ ही जा रहे थे, ज़रा सा भी ड्राई होने के बाद उलझ जा रहे थे। मैंने इनको बोला थोड़े से गीले बालों में, हल्के से बाल मतलब गीले हो तो बहुत लाइट सा एक बूंद ऑयल लगा दिया करो, ताकि ये रफनेस कम हो जाए। और ऑयल हफ्ते में 2 बार तो लगाना ही चाहिए इस तरह के बालों में, जिसे वॉश करने से पहले। अब क्या करते हैं कि राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से सारे बालों को इस तरह से ले जाके कटिंग कर लेते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, इसे बिल्कुल सेम इक्वल कटिंग हो जाएगी। और अब मैंने थोड़ा सा सीरम ना इसमें और यूज कर दिया था, ताकि बहुत अच्छे से बाल सुलझें और खींचे ना, मतलब इक्वल कटिंग हो जाए। बहुत जल्दी ना बाल सूख भी जा रहे थे, मतलब बहुत जल्दी ड्राई हो जा रहे थे। और तो एक बार उस साइड से सारे बालों को राइट से लेफ़्ट ला के कटिंग कर रही हूँ, और लेफ़्ट से सारे हेयर को राइट ले जाके हेयर कट कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, आपके दोनों साइड के हेयर बिल्कुल सेम कटिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप देख सकते हो मैंने कोई सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, बाल ये ड्राई हो गए हैं। सीरम लगाने से थोड़े से कलर चेंज हुआ है बालों का, मतलब अच्छा लग रहा है ना। फ्रिजनेस रफनेस जो थी बिल्कुल कम हो गई है, मतलब ख़त्म ही हो गई है। जो लेंथ में बाल थे ना, वो बहुत ज़्यादा रफ़ थे। आप देख सकते हो मैंने सारे हेयर को कट कर दिया है और इतना शॉर्ट कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, आप चाहे तो हेयर बैंड लगाओ, चाहे तो हाफ पोनी बना लो, चाहे तो पूरे बालों की पोनी बना लो, कैसे भी रखो अच्छा लगेगा। बट उतना लंबा हेयर रखने के बाद ना, अगर खुले होना तो बहुत ज़्यादा रफनेस अजीब सा फील होता था, अच्छे नहीं लग रहे थे। बट ये ठीक है, अगर ये 1% हेयर बैंड वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, ये इतनी लेंथ तो अच्छी लगती है। अब मैं इनको दिखाऊँगी कि कितनी बड़ी ये पोनी बन रही है, देखिए।
अब इनका एक बार मैं पोनी बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ना क्या होता है इस तरह के जब हम हेयर कट करते हैं ना तो जो नेक के बाल होते हैं वो निकलते हैं कई बार, पोनी में नहीं आता है। बट मैंने ऐसी कटिंग करी है ना कि नेक के भी सारे बाल पोनी में अच्छे से आ जाएँ। मैं इनको ये पोनी बना के दिखा रही हूँ कि आप सिर्फ इस तरह से पोनी बनाइएगा और बहुत अच्छे से ऑयल करिएगा और बहुत अच्छे से, मतलब केयर मांग रहा है ये बाल, केयर की ज़रूरत है। लेंथ तो अच्छी है अकॉर्डिंग टू एज के, तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने हेयर कट करा दिया। क्योंकि ना इतने लंबे बाल होने के बाद मतलब जल्दी से कोई कटिंग नहीं कराता है, लेकिन अगर हाँ इस तरह के हेयर है तो कटिंग करा ही लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा डिसीजन है इनका। और दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा आपको ये हेयर कट और क्या इनका डिसीजन बिल्कुल सही था और कितने रफ़ हेयर थे। और आप देख सकते हो भी आपके सामने ही मैंने पूरा किया है। अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा रफ़ हैं तो आप भी सीरम यूज़ किया करिए, ऑयल बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, तो सिलिकॉन बेस का सीरम यूज़ किया करिए, ऑयल बेस सीरम मत यूज़ किया करिए क्योंकि वो ऑयली हो जाते हैं हेयर। अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में हम आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, थैंक यू।